हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल अगेन टू द जे सी आर टी डी जी स्कूल अब इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे क्या चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे यस ऑफ़ कोर्स इस चैप्टर को कैसे विथ क्वेश्चन एंड इट्स आंसर्स ऑफ़ कोर्स कि क्वेश्चन और उसके आंसर्स को जानने के बाद हम लोग इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे है ना तो लेट्स स्टार्ट

वो एक निर्जन द्वीप में अकेला छूट गया था उसके साथियों ने वहाँ उसे छोड़ दिया था अकेला दैट्स व्हाई ही थॉट दैट स्टेइंग एट होम वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया इसलिए वो सोच रहा था कि काश अच्छा होता कि मैं घर पर ही रहकर कर रह करके खुद को संतुष्ट करता तो मैं यहाँ पर इस तरह से फंसता नहीं नंबर टू डिस्क्राइब द डेजर्टेड आइलैंड अब आपको डेजर्टेड आइलैंड कैसा था उसकी व्याख्या करनी है कुछ याद आया बच्चों वेरी गुड द डेजर्टेड आइलैंड वॉज कवर्ड with फ्रूट ट्रीज डेजर्टेड आइलैंड थी वो पूरी तरह से फ्रूट ट्रीज से कवर्ड थी एंड प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग्स और बहुत सारे पानी के श्रोता भी थे बट देर वेयर नीदर हाउसेज हैबिटेंट्स लेकिन वहां पर ना ही कोई घर था ना ही वहां पर कोई निवासी थे तो वो इस कारण से ही उसे आइलैंड कहा गया है वहाँ पर कोई लोग नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन वाई डिट सिद किक द डायमंड आउट ऑफ हिज वे डायमंड यानी इतना कीमती कीमती पत्थर है ना बहुत ही कॉस्टली होता है डायमंड लेकिन उन कीमती पत्थर को सिंधबाद ने लात मार करके हटाया क्यों अपने रास्ते से क्या हुआ था सिंधबाद वॉज इन द वैली ऑफ डायमंड्स सिंधबाद जो था वो हीरो की घाटी में था वह जहाँ पर द ह्यूज स्नेक्स लिव्ड जहाँ पर वो बड़े बड़े विशालकाय सांप भी रहते थे सो इट वॉज बेटर टू स्केप सेफली रैदर दैन टू कलेक्ट डायमंड्स तो अब सिंधबाद को ऐसा फील हो रहा था कि अब वहाँ पर उस घाटी में डायमंड्स कलेक्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पर से सुरक्षित बच कर के निकलना सो ही किक द डायमंड्स आउट ऑफ हिज वे इसलिए उसने डायमंड्स को अपने रास्ते से किक करके हटाता गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट ट्रिक डिड द मर्चेंट्स यूज टू गेट डायमंड्स फ्रॉम द ईगल्स उन ईगल से अपने डायमंड्स लेने के लिए क्या ट्रिक अपनाते थे टू गेट द डायमंड्स फ्रॉम द ईगल्स द मर्चेंट्स वुड स्केयर अवे द पेरेंट ईगल फ्रॉम देअर नेस्ट विथ साउंड विथ शाउट्स एंड आउट क्राइज टू सिक्योर देयर ट्रेजर ऑफ डायमंड्स तो जब डायमंड्स को ईगल्स वैली ऑफ डायमंड से ले करके आते थे अपने घोसले में उसके बाद मर्चेंट्स तैयार रहते थे कि ईगल को वहाँ से भयभीत करके हटा दें और अपना जो डायमंड्स का खजाना है उसको वहाँ से फटाफट वो लोग कलेक्ट कर लेते थे ओके नंबर फाइव

टर्बन टर्बन यानी अपनी पगड़ी को खोल करके उसी के सहारे से मीट के पीस से खुद को बांधा था पीस ऑफ मीट ही द वैली ऑफ ताकि जब ईगल वहाँ से मीट के पीस के साथ साथ सिंधबाद को भी सुरक्षित उस डेजर्टेड आइलैंड में ले करके आएंगे फिर उसके बाद वो जानता था कि वहाँ पर मर्चेंट्स जो है ईगल के इंतजार में होंगे तो फिर वो देन सेफली जॉइन टू द टीम ऑफ मर्चेंट्स तो फिर वो व्यापारियों के समूह को वो सेफली बहुत ही सुरक्षित जॉइन कर लेता सो so इजी है ना अब आ जाइए आप अपने बुक के पेज नंबर 62 में जहाँ पर है स्टेट whether the following sentences are true or false अब आपको इन ये जो सेंटेंसेस है ये सही है या रॉन्ग है आपको बताना है ट्रू यानी क्या होता है बच्चों सही। फॉल्स यानी गलत ओके okay? तो है सिंधबाद विद अदर मर्चेंट्स लैंडेड एट अ स्पॉट वेयर द लैंड वाज़ कवर्ड विद फ्रूट ट्रीज सिंधबाद दूसरे व्यापारियों के साथ एक ऐसे आइलैंड में आया था जो कि पूरी तरह से फ्रूट ट्री से कवर्ड थी सही है या रॉन्ग है यस इट ट्रू है ना द रॉक एट स्टेप्स राउंड तो रॉक पक्षी का अंडा था वो उसको चारों ओर से चक्कर लगाने के बाद पचास कदम होते थे हुए थे बिल्कुल सही हुए थे

मर्चेंट्स केयर अवे द पेरेंट ईगल विथ शाउट्स एंड आउटक्राइज टू गेट देयर ट्रेजर जब वो मीट का पीस ईगल अपने नेस्ट तक ले करके आता था तब व्यापारी उनको भयभीत करके आ, उ, उ, शोर शोर करके उसको भगाता था और अपना डायमंड का जो खजाना था वो वो लोग ले लेते थे सही है बिल्कुल सही द अमेजमेंट ऑफ द मर्चेंट्स वॉज ग्रेट वेन दे सॉ सिंधबाद एंड ऑल्सो देयर एंगर तो जैसे ही उन व्यापारियों ने सिंधबाद को देखा तो वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे और उसके साथ साथ वो लोग नाराज भी थे सही है बात बिल्कुल सही है तो आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए Thank you so much, Bacho.